नमस्कार बन्धुबान आज भिडिओ मैं बायोडान 5% पाउडर विषय आलोचना करम। ये बायोडान 5% पाउडर तो कि काम व्यवहार कर कम्पोजिशन आसे के व्यवहार कर लगे और इं कम्पानी नाम कि यार मूल्य कि पाउडर तो व्यवहार कर पीछे कि साइड इफेक्ट हम पे आदि विषय मैं भिडिओ आलोचना करम। तो बंधु बान्वी अपने भिडिओ स्किप नक आरम्भिपर शेषलैक सब बंधुस बायोडान 5% पाउडर तो मेनुफेक्चर कर बायोसेम फार्मासिटिकल और इं मूल्य हल 48 टका अपने जिको मेडिकल स्टोर पा जात मूल कन्टेन्ट हल पोविडन आयोडिन 5% आस। तो बंधुस अपने पाउडर तो अनल अर्डर कर कि लो पे बंधुस भिडिओ आरम्भ कर आगते अनुरोध जदे आपुनि एतियालैके आमार चेनेल तो सबसक्राइब करा नाइ आपोनालोके प्लीज सबसक्राइब कर दिबा रखा थका बेलेक एंटु प्रेस कर दिब। बंधुस बायोडान 5% पाउडर तो एटा एंटीसेप्टिक पाउडर है। ये पाउडर तो सरु सरु क्षत स्थान पुराबले व्यवहार करा है जुए पुरा अंश ठीक करिबले कटा अंश और बैक्टीरिया द्वारा जिकोनो धरण संक्रमण हुआ अंश समूह ये पाउडरटे ठीक कर सहयोग करे। बंधुस ये बायोडान पाउडारटे कोष समूह अक्सिडाइज कर सहयोग और प्रोटीन समूह आइडेंटिंग कर सहयोग जदि कोकर शरीर स्किनर इनफेक्शन है एने कंडिशन आपे पाउडर तो व्यवहार कर ले 100% आराम पा। बंधुस ये पाउडर तो अपना जिकि ठाई घाँ से पुरी से सीखी अंगते अपने व्यवहार कर लगे अपने ये पाउडर तो दिन दुबार व्यवहार करवा डर परमर्श लगे अपने व्यवहार कर। बंधुस जदि कोकर शरीर अतिरिक्त घा है एने कंडिशन आपे मलम तो व्यवहार कर पे जिको धरण मेडिसिन व्यवहार कर आगते अपने सदा डॉक्टर परमर्श लो डॉक्टर परमर्श नहकोलोक क्या मेडिसिन के व्यवहार नक। ये बायोडान पाउडर तो रिजाल्ट अति बेसि और जिको धरण स्किनर इनफेक्शन घा हक कटा अंग हक आदि जोड़ा लगार कारण 100% काम कर। बंधुस ये पाउडर तो अपने गर्भवती महिला व्यवहार नक जिस लोक एलार्जी समस्या बेसिक पाउडर तो केवहार नक जो व्यवहार कर डॉक्टर परमर्श लैसे अपने व्यवहार कर। बंधुस ये पाउडर तो व्यवहार कर पीछे अपना साइड इफेक्ट देखा दी पे जैसे अपना एलार्जी प्रब्लेम हुआ साल ज्वलन भाव साल रंगावरण हुआ आदि एने समस्या देखा दी पे जो एने समस्या देखा दिए तेज अपने चिंता कर कारण ना कारण यू कमन साइड इफेक्ट यार ऊपर जो समस्या देखा दिए तेज अपने पाउडर तो व्यवहार कर बंद कर। तो बंधु बान्वी आज भिडिओ इन आज जदि भिडिओ भल लगे प्लीज एट लाइक कर दी और ये बायोडान पाउडर तो विषय अधिक जानवर कारण आपन कमेन्ट कर। धन्यवाद।